नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में केंद्रीय नेताओं का अपने पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार का दौर लगातार जारी है। दोनों ही राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने दलों को जीत दिलाने में लगातार प्रयासरत हैं और अपना पूरा दमखम हिमाचल की चुनावी रणभूमि में झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को ऊना सदर में पार्टी प्रत्याशी सतपाल सत्ती के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में अमित शाह ने देश की सेना में हिमाचल के सर्वाधिक सैनिकों के माध्यम से सेवा दिए जाने के लिए प्रदेश की मातृ शक्ति को श्रेय देते हुए उनका अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी प्रत्याशी सतपाल सत्ती को अपना मित्र बताते हुए प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर उन्हें मंत्री बनाए जाने का आश्वासन भी जनता को दिया। मित्रों, मुझे आप बताइए, आप सभी लोग चाहते थे या नहीं चाहते थे कि जहां श्री राम का जन्म हुआ वो अयोध्या में भव्य मंदिर फिर से एक बार बन जाए? चाहते थे या नहीं चाहते थे भाई? चाहते थे या नहीं चाहते थे? ऊपर बोलो भाई। माताओं, भाइयों, बहनों, बाबर ने तोड़ा, तब से लेकर आज तक लाखों लाखों लोगों ने ये हमारे तीर्थ क्षेत्र के लिए, श्रद्धा के केंद्र के लिए अपनी जान आहुति की। और ये कांग्रेस पार्टी 75 साल होने आए राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने नहीं देती थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की नींव डालने का काम कर दिया। के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, 10 लोगों ने अप्लाई किया था, 10 में से सबको छोड़कर ऐसे व्यक्ति को टिकट भेज दिया गया। एक उत्तर प्रदेश का दलाल वहां बैठा है, उसने 14 करोड़ रुपए में उस टिकट को बेच दिया और हमारा राजनीतिक खून कर दिया। आज जो इनके हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, गगरेट से उड़ता है अंब बैठ जाता है, अंब से उड़ता है ऊना बैठ जाता है, ये जो रोज बारी बट्टे चूटा ले रहे हैं, इनके हेलीकॉप्टर के में जो तेल डल रहा है, मेरे राजनीतिक खून से लगा हुआ जो है तेल डल रहा है। सो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी पार्टी जो अपने नेता के साथ न्याय ना कर सके, ऐसी पार्टी जो अपने नेता के साथ न्याय ना कर सके, कार्यकर्ता के साथ कभी न्याय नहीं कर सकती, ऐसा मैं 100% कह सकता हूं। पिछली बार इस पार्टी ने कहा था, जब हम बीच में थे, हमने कई बार कहा, कई बार इन पे सवाल उठाए कि आपने कहा है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 1000 रुपया। हमने प्रार्थना की राजा वीरभद्र सिंह जी से, लेकिन किसी एक को बेरोजगारी भत्ता मिला? इस बार फिर ये 1500 रुपए का फॉर्म लेके घूम रहे हैं कि महिलाओं को 1500 रुपए महीना देंगे। लेकिन साथियों, ये एक छलावा है। आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपने पिछली बार एक बहुत बड़ी भूल की है। हमारे सतपाल जी अगर पिछली बार जीत जाते तो हालात कुछ और होते, प्रदेश का मुखिया यहां से होता। और मैं कहता हूं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सतपाल जी आप भी बहुत ऊपर जा सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में बात है। इस बार जो पिछली बार गलती हुई है, इसको सुधारना है और हजारों वोटों से सुधारना है। और जो आपने एमएलए बनाया उसकी तो बात ही क्या है, एक बार गाड़ी में शराब मिल रही है, दूसरी बार जो दफ्तर बनाया हुआ उसमें आप जाओ तो सांस नहीं ले सकते, भांग की लपटें आती है वहां पर, वहां पर निशेड़ी इकट्ठे होते हैं, युवाओं को किशोर ले जाया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग संभल के वोट डालिए, कहीं आपकी पीढ़ी खराब ना हो जाए। माननीय अमित शाह जी को जहां संगठन के अंदर कौशल हासिल है, वहीं पर अमित शाह जी को गवर्नमेंट के अंदर निर्णय लेने की कितनी क्षमता है, वो हम आप सब लोगों ने, बॉर्डर एरिया के ऊपर रहने वाले लोगों ने धारा 370 और 35A को जिस तरह से खत्म किया गया उसे हम लोगों ने देखा है। एक लोक पुरुष के रूप में आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर ख्याति प्राप्त की है और आपके निर्णय चाहे संगठन के हो, चाहे सरकार के हो, चाहे विचारधारा के हो, चाहे सरकार चलाने के हो, हमेशा आपने विचारधारा के मुद्दों को जिस तरह से हमारे
प्रधानमंत्री लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस देश के लिए जो समय समय पर एक कांटे के रूप में धारा 370 चुकती थी, हम आप सब लोग कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लगाते थे धारा 370 धोखा है, देश बचाओ मौका है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, हमें हमारे विरोधी तो उस समय हंसते थे कि ना तुम्हारी गवर्नमेंट आएगी, ना धारा 370 टूटेगी, ना तुम्हारा राम मंदिर बनेगा। मैं उन विरोधियों से ये आगाह करना चाहता हूं कि आपके सामने हमारे देश के नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने धारा 370 को भी तोड़ा और राम मंदिर के निर्माण का भी नींव पत्थर रखा। इस देश के जो मूल मुद्दे हैं, वो चाहे CAA का मुद्दा हो, चाहे इस देश के अंदर विदेशी लोगों के आने का मुद्दा हो, हमारी विचारधारा के जो मूल मुद्दे 1951 से शुरू हुए थे। हम उन पार्टियों में से नहीं है जिनके 1951 में मुद्दे कुछ और थे, 70 के दशक में मुद्दे और थे और 21वीं शताब्दी में मुद्दे और हैं। हम जिस विचार को लेकर के चले थे, देश का राष्ट्रवाद, देश के अंदर विकास और गरीब आदमी के लिए खड़े होना, जो भारतीय जनता पार्टी की मूल भावना है, जो उस समय भी थी जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के अध्यक्ष थे, उस समय भी थी जब इस देश के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, और आज भी उसी भावना को लेकर के हम लोग चले हुए हैं। जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी हमारे वरिष्ठ नेता इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आगे करने के लिए लगे हुए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।